तुम्हारा नाम पप्पू है ना? हाँ। तुम उस गली के नुक्कड़ पे रहते हो? हाँ। ना पहले मैं भी वहीं रहा करता था। अच्छा, 5 साल पहले मैं फॉरेन चला गया था। हाँ हाँ, याद आया, आपकी फैमिली 2 साल पहले वहाँ से चली गई थी। फिर आपके घर के हालात भी काफ़ी ठीक हो गए थे और आपके लड़के ने मोटरसाइकिल भी तो ले ली थी। हालात तो तुम्हारे भी ठीक हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी है ना, कुछ पैसे कमाओगे घर बैठे? हाँ क्यों नहीं। कुछ दिन बाद मैं तुमको लंच का एक टिफिन बॉक्स दूंगा, उसे स्कूल के बाहर रख देना और गायब हो जाना। बाकी हम पर छोड़ दो, 10,000 काम से पहले और 15,000 काम के बाद। क्या सोच रहे हो? जी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे टीचर ने एक बात कही थी। ये बात बहुत साफ इस्लाम में और इस्लाम की होली बुक कुरान में बहुत क्लियर आ गई है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड लाइफ। कि हमारे यहाँ कुरान पाक में एक आयत है जिसका मतलब है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान का खून कर दिया तो मानो उसने दुनिया के तमाम इंसानों को ख़त्म कर दिया, और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचा ली तो मानो उसने दुनिया के तमाम इंसानों की जान बचा ली। ये बात कुरान में लिखी है? आप खुद पढ़ सकते हैं।